उनको पैकेजिंग करी जाते हैं। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर वो भी है, छत्ता भी है, तैयार है खाने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपको दिखाएंगे यहाँ टलंग के फार्मिंग के बारे में। ये कह रहे हैं क्या पता हमारे नसीब में कोई और बला भी हाथ लगे, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अच्छा वाह, अच्छा रोहू भी है। अच्छा आपने डैम की मछली है, जी हो गया बिल्कुल। ये काम जो है ये आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो कायनात के सरदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहनवायल पर। दोस्तों आज हम आए हैं चकबेली की साइड पर और आज फिर आपको दिखाएंगे यहाँ टलंग के फार्मिंग के बारे में और आपको खसूसी तौर पर आज जता फेस्टिवल किस चीज़ की स्ट्रॉबेरी का फेस्टिवल था, नाम भूल गया। तो उसके बाद जब हम आए तो यहाँ डैम भी है, दो तीन डैम जिसमें मछली आती और उन मछली के शिकार भी करेंगे और आपको दिखाएंगे भी और खाएंगे भी और स्ट्रॉबेरी भी दिखाएंगे आपको कैतो की तरफ। इस वक्त तो हम मिर्चो के साइड पर खड़े हैं, काफी मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो है, लिहाजा आप भी आगे शेयर कीजिए और हमें लाइक जरूर दीजिए। स्ट्रॉबेरी पिस्टोल पर हमें और मुझे और अदनान भाई को खसूसी तौर पर मदऊ किया गया था, तो खेतों की सैर कराते हैं। इस वक्त स्ट्रॉबेरी इनकी इंशाल्लाह तैयार है, रमजान रमजान में तो मंडी की सैर करेगी ही। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये देखे बिल्कुल, और इनमें चंद तो बिल्कुल लाल हो गई है तैयार। ये जो आप छोटे छोटे पाइप देख रहे हैं ना, इसको ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है किसान को कि इससे पानी बहुत ज़्यादा बचता है। आपको तो पता ही है पानी की अशद ज़रूरत है। इन्होंने पाइप इन साइडों पर रखे हैं काफ़ी बड़ी तादाद में। तो ये स्ट्रॉबेरी की पैकिंग हो रही है माशाल्लाह, ये देखिए। ये बताए कि ये आमिर भाई के बाग की स्ट्रॉबेरी है और यकीन करें ऐसी भी इतनी मीठी है ना, माशाल्लाह। जी मोहतरम दोस्तों, इस वक्त मैं और अदनान भाई बिल्कुल खालिस दूध की कश्मीरी टी पी रहे हैं और कसम से ऐसा जायका है कि आप बोलेंगे ये देख लें, ये दूसरी तीसरी गिलास है। क्या ख्याल है अदनान? माशाल्लाह। तो मोहतरम दोस्तों, इन्होंने नेट लगाए, जाल लगाई है मछली के लिए और चूंकि हमारी मेहमान नवाजी होगी लिहाजा वो मछली का जाल निकालेंगे इंशाल्लाह और जितनी मछलियाँ पकड़ेंगे कह रहे सब तुम लोगों को खिलाएंगे। यहाँ रोहू और सिल्वर मछली है सारी। ये कह रहे हैं क्या पता हमारे नसीब में कोई और बला भी हाथ लगे, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ले जनाब बिल्कुल ताज़ा मछली माशाल्लाह। सारे सिल्वर है, अच्छा वाह, अच्छा रोहू भी है, ऑर्गेनिक मछली है माशाल्लाह। ये देखे भाई, और मदर भाई ने खुद ही शिकार किए, अभी हमें खिलाएंगे, ठीक है मदर भाई इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा आपने डैम की मछली है, हाँ जी माशाल्लाह। तो अदनान भाई ऐसी जगह पर कैसी फील होता है बंदे को? ऐसी गुजारे ना, ठंडी हवाएं लग रही। तो यहाँ के ओनर शौकत भाई से आपको मिलाते हैं और साथ साथ आमिर भाई भी खड़े हैं, ज़रा सा इनसे अपना तारुफ भी कराएं और हमारे ज़मींदारों के लिए और किसानों के लिए ज़रा सा कोई मोटिवेट उनको भी करें, क्योंकि आपने माशाल्लाह बहुत बड़ी प्रोसेस पर आप काम कर रहे हैं। साथ ये भी देख ले आप, मेहनत काफ़ी ज़्यादा है आपका, तो ज़रा ये बताए बस। आपकी मोहब्बत है सर, जी आपकी बड़ी मेहरबानी है। बात यह है जी कि हम ये काम तो शुरू कर देते हैं लेकिन जल्दी ही थक जाते हैं। बिल्कुल, इसमें थकना नहीं है आपने। जी जी, मेरे जो भाई हैं, मेरे जो दोस्त हैं, इसने मुझे ये सिखाया कि आपको थकना नहीं है। बेशक बिल्कुल, मैं थक गया था पिछले साल, मैं सोच रहा था कि मैं इसको खुदा हाफिज कह दूँ। अच्छा, तरह करोड़ों लोग पहले मुझसे जो भाग गए जी बेची और इस्लामाबाद में चले गए, फ्लैट खरीदा, किराया आया, हो गया बिल्कुल। ये काम जो है ये आपको बताया कि ये अंबिया वाला है, सहाबा वाला है, बेशक बेशक, आम जो है वो आपको हलाल हलाल जो है वो खिलाते हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। तो हमने शुरू किया जी, आमिर साहब जो है मेरे मेंटर हैं माशाल्लाह, मुझे मेरे ख्याल से इस्लामाबाद रावलपिंडी में सबके उस्ताद यही है, हाँ सबको मोटिवेट भी यही करता है, सबका हौसला भी बढ़ाता है। आमीन आमीन आमीन। अच्छा ज़रा आमिर भाई से भी बात कर लेते। आमिर भाई यहाँ तो आप आते रहते हैं, ये आइडिया इनके जहन में कैसे आया डैम का, और क्योंकि इधर से ही पानी देते हैं? जो है वो खसूसी तौर पे हम जब काम शुरू किया तो पानी भी यहाँ बहुत कम था। हाँ ये तो है बिल्कुल, बैंक के साथ
ऐसा ही है, 5-6 कनाल 10 कनाल हर फार्म मौजूद है। बिल्कुल, जहाँ बारिश का पानी अगर स्टोर कर लिया जाए जी, तो ये पटवार, और आपको मैं मजे की बात बताऊँ की जितना पटवार का रकबा है अगर इधर प्रॉपर प्लानिंग से जी इस तरह के छोटे डैम बन जाए तो इससे 10 गुना ज्यादा रकबा पानी से सैराब हो सकता है। माशाल्लाह माशाल्लाह ज्यादा है माशाल्लाह। लेकिन अभी तक जो लोग सोच रहे हैं वो कहते हैं कि इधर पानी कम है। अच्छा, वो मसला मैनेजमेंट का है कि बारिशें होती हैं, हमारे सारे पटवार का पानी बह के दरियाओं में चला जाता है, समंदर में चला जाता है, तो यहाँ जगह जगह रोकने की हमारे पास जगह तो मौजूद है। हाँ, बिल्कुल ऐसा, मतलब अपना जो है अपने तौर पे फार्मर कर रहे हैं, तो ये फिर हमने जिधर भी गए हमने छोटा सा, यानी अगर माशाल्लाह हुकूमत साथ दे तो काफ़ी बड़े लेवल पर काम हो सकते हैं छोटे छोटे डैमों का। जी बिल्कुल, ये आप समझ लें कि अगर 1000 छोटा डैम बनता है और 20 कनाल का एक डैम है, हाँ ये 6 महीने में सारे बन सकते हैं माशाल्लाह। 20,000 कनाल जगह पे पानी खड़ा हो सकता है। चलिए, अगर हमें कोई भी हुकूमत अहदेदार देख सकता है और इस तरफ उनका ध्यान जाता है तो ये आमिर भाई की बातें सुन ले, यहाँ पटोहार में इतनी ये ज़रूरी है, पूरे पाकिस्तान में पानी की किल्लत है और आ भी रही है मज़ीद, तो यहाँ के ज़मींदारों के लिए और किसानों के लिए ये बहुत मुफीद है भाई कि इस पर थोड़ी सी मेहनत की जाए। तो ये इसकी गहराई का कोई अंदाज़ा है वैसे? 40-60 फीट तक। जी जी, अच्छा माशाल्लाह मछली बिल्कुल खालिस। अच्छा, अगर कोई ख़रीदना चाहे बिल्कुल खालिस मछली बगैर ये दवाइयों के, आजको तो पता है आजकल फीड्स में बहुत गन बला रही है, ये बिल्कुल खालिस मछली है तो फिर आप दे सकते हैं उनको वैसे? अच्छा, तो इस दफ़ा मुश्किल होगी लेकिन नेक्स्ट टाइम हम ये प्लान कर रहे हैं कि खुद आके वो शिकार करे अपनी। माशाल्लाह निकले, क्या बात है भाई, क्या ज़बरदस्त आइडिया है, ज़बरदस्त आइडिया। आमिर भाई आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा आपसे मिलते हैं तो हम भी मोटिवेट हो जाते हैं और एक हौसला बढ़ जाता है। अल्लाह आपको सलाम। तो मोहतरम दोस्तों, ये बिल्कुल खालिस मछली आ गई और बग़ैर फीड वगैरह के, ये आमिर साहब बैठे हैं और इन्हीं के डैम के और सामने डैम है और कुछ मेहमान भी हमारे साथ बैठे हैं। बड़े मज़े की बात यह है कि ये सरसों के तेल में बनाई गई है और वो सरसों भी अपनी ही कहतों के हैं इनके। चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। आपने ऐसा सरसों बहुत कम देखा होगा, चकवाल में हमने ये देख लिया, देख ले आप, एक एक पली का ये साइज़ है और ये देखे माशाल्लाह क्या बात है भाई। जी आमिर साहब से ब्रीफ लेते हैं कि इस वक्त ये जो इन्होंने बनाई है टनल, इसका क्या फ़ायदा है और आम लोग भी मोटिवेट हो? नहीं, ज़रूरत होती जिन बीजों को जो कपड़े के अंदर फल दे देते हैं, ये वो इसमें सब्जियां लगती हैं। और ये गर्मी के मौसम में आप देखें, जहाँ खड़े हैं ना तेज़ हवा चल रही है, तो ऐसी जब गर्मी में हवाएं चलती हैं ना तो फ्रूट को स्क्रैच आ जाते हैं। जी बिल्कुल, क्वालिटी अच्छी है, ऐसा ही है। तो ये एंटी इंसेक्ट नेट उसके ऊपर होता है, हवा तो इसको लगती है, बारिश भी अंदर जाती है, लेकिन वो बारीक बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाता। और इस समय बाहर से वाइट फ्लाई खासकर और दूसरे जो कीड़े हैं फ्रूट फ्लाई वगैरह या इस तरह के, वो बाहर से बचा रहता है। जलाबारी में भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बचत हो जाती है, भी हैवी तूफान में भी। हाँ शुक्र है अल्लाह का, फ्रूट क्वालिटी जो बेहतर है। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं इनके फार्म हाउस पर आज स्ट्रॉबेरी पिस्टोल में, आप देख सकते हैं पूरी पूरी फैमिली आई है माशाल्लाह। 0300-512-427 और आप आमिर भाई को कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में पूरी मालूम। जी यहाँ मुख्तलिफ स्टॉल दे और ऑर्गेनिक ओरिजिनल शहद बिल्कुल जंगली का भी है, बेर का भी है, तो ये हम सब जंगल से उतार के लाते हैं। ये हम अपने बंदों को भेजते हैं और वो जंगल के अंदर डीप जाते हैं, दरख्त से उतार के लाते हैं, वहाँ पर उनको पैकेजिंग करी होते हैं। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर वो भी है, छत्ता भी है, अगर आप इसमें छत्ता भी है तो हम साथ छत्ता भी देते हैं। तो ये पाव जो है ये 1000 का है, ये बेर वाले नहीं, ये सही है, ये मुझे लगता है मिक्स होगा। अच्छा ये मिक्स होगा, इसमें सिर्फ आपके पास बेर वाले यही है? जी ये बेर वाला है। अच्छा जी, ये 1 kg है तो 4000 रुपीज का ये हमारे पास। ये और अब नंबर में जरा ये ग्रीन हाउस फार्म्स, ग्रीन हाउस फार्म्स हम इवेंट्स 0321852
327 ठीक हो गया। और अपने कपकेक्स भी रखे हुए, हमने बोला कि थोड़ा मीठा भी हो जाए इवेंट के ऊपर, हमने स्पेशल शहद भी मीठा होता है, शहद से मीठा वहां पे मेरे शॉप पे मिला। तो मोहतरम दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल फेवर खालिस शहद चाहिए ना, तो नंबर हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं 03218520327। इस बात की गारंटी होगी कि ये जंगली शहद है। बस दुकानों पर तो आपको बराए नाम मिल जाते हैं जंगली शहद भी और जो भी है, यहाँ आपको बिल्कुल खालिस मिलेंगी नंबर एक। साथ साथ अगर आपको छत्ता चाहिए तो ऐसे डब्बों में छत्ती भी मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, चले जाहिद साहब से आपको मिलाते हैं। हमारा मकसद है कि किसान से फ्रेश एंड प्योर प्रोडक्ट लाके अपने कस्टमर को देने हैं। ऑर्गेनिक कह लें या खालिस और देसी कह लें आप, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड मीट करना आसान नहीं है, आसान काम नहीं। तो खालिस और देसी प्रोडक्ट, फ्रेश प्रोडक्ट, अपने किसानों को उसकी मेहनत का असल सिला मिले जी, और कंज्यूमर को फ्रेश प्रोडक्ट मिले। अभी आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? हमारे पास आज तो स्ट्रॉबेरी है, उसके अलावा चकवाल का ऑलिव ऑयल है, अच्छी और हमारा खालिस शहद है, देसी घी है, हमारे पास देसी दूध होता है, देसी मक्खन शॉप पर जी, और सारी चीजें इसी किस्म की है। तो शॉप कहाँ है? आपको इन्वाइट कर रहे हैं, काफी दफा किया हुआ है, नहीं इंशाल्लाह। ये हमारी बड़ी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है जी। सलाजीत के बारे में सबने सुना होगा, लेकिन सलाजीत को आपको पता है खाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत हार्ड गोंद होती है। तो हमारे दोस्त है अशरफ लेबोरेटरी वाले, इन्होंने सलाजीत को, शहद को और रोज वाटर को लेके साशे बना दिए। तो साशे से आप आराम से आप डाल सकते हैं पानी में, चाय में, और इसको पी सकते हैं। ये हमारी वेरी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है भाई। ये आप सरसों का तेल है? अच्छा, ये सरसों के जी जी। ये चकवाल का ऑलिव, ये सरसों का तेल जी। सरसों के तेल और ओलिव ऑयल बिल्कुल खालिस, ये देखे आप माशाल्लाह, मेड इन चकवाल, फर्स्ट कूल फ्रेश ऑयल, ये देख ले आप माशाल्लाह। तो जिन लोगों को थोड़ा बहुत शक और डाउट हो के भाई कहाँ मिलेगा बिल्कुल खालिस, तो यहाँ आप जाहिद साहब से ले सकते हैं। प्राइस बताओ कि ₹650, 650 आधा किलो तकरीबन, अच्छा एक लीटर, ये तो सस्ता है भाई, 650 लोकल घानी वाला है। अच्छा, हमारे पास एक और है सरसों का तेल, इसमें ना इसमें कुकिंग में स्मेल आती है। अच्छा हाँ, प्रोसेस करना पड़ता है। ये पंजाब ऑयल मिल की प्रोडक्ट है, ये भी खालिस सरसों है, इसमें स्मेल नहीं है।